अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। तहसील समाधान दिवस पर बीकापुर के एसडीएम के खिलाफ शिकायत करके पीड़ित ने सनसनी फैला दी। जैसे ही पीड़ित ने एसडीएम बीकापुर के विरुद्ध शिकायत की, वैसे ही तमाम समाचार ग्रुपों में ब्रेकिंग खबरें प्रकाशित होने लगी। आपको बता दें, पूरा मामला अयोध्या जनपद के थाना इनायत नगर ग्राम डेमावैशे का है। शिकायतकर्ता सोनू का कहना है कि उसके पिता को सरकार द्वारा पट्टा दिया गया था और अब पट्टे की सीमा पूरी हो चुकी है और उसको पट्टा मिले 25 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन द्वारा लाभार्थी को मिला पट्टा संक्रमणीय भूमि में दर्ज नहीं किया गया है, जिसके चलते शिकायतकर्ता विगत कई महीनों से तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों के दरवाजों के चौखट का चक्कर लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तहसील प्रशासन के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे कुमकर्णी नींद सोने में मस्त हैं। आपको यह भी बता दें कि हल्का लेखपाल कानून गो और तहसीलदार महोदय के द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में आख्या रिपोर्ट भी प्रेषित की जा चुकी है, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब अपनी नींद से जागे नहीं है। पीड़ित अपने इस व्यक्तिगत मामले को लेकर एसडीएम बीकापुर से फेस टू फेस मुखातिब हुआ और अपनी समस्या उससे उसने उन्हें अवगत कराया। फिर भी एसडीएम साहब पीड़ित के मामले को संज्ञान में लेते नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे पीड़ित ने परेशान होकर एसडीएम बीकापुर के विरुद्ध शिकायत करके जिला के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल देखना यह है कि इस मामले को लेकर जिले के आला उच्च अधिकारी एसडीएम बीकापुर के विरुद्ध कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। हमारे पिता के जी का नाम आज से 25 साल पहले पट्टा मिला था, जिससे हम जो है संक्रमणीय असंक्रमित के लिए हम तहसील गए थे, जो तहसीलदार साहब और कानून गो साहब ने दस्तखत कर दिया है, एसडीएम साहब दस्तखत कर नहीं कर रहे हैं। आज 3 महीने हो गया मुझे तहसील का चक्कर काटते हुए। ध्यान बस, मेरा घर है संतराम, हमारे पिताजी के नाम से पट्टा था संतराम सनातराम मिलन। हमें एसडीएम साहब के खिलाफ शिकायत किए हैं।